अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 12 की ट्रांसलेशन करेंगे। लेसन 12 है ड्रग्स आर डेंजरस। ड्रग्स मंशियात आर डेंजरस, खतरनाक मंशियात खतरनाक हैं। अ ड्रग इज़ एन इलीगल सब्सटेंस। अ ड्रग मंशियात इज एन इलीगल गैर कानूनी नाजायज सब्सटेंस मादा है। मंशियात एक गैर कानूनी और या फिर नाजायज सब्सटेंस मादा है विच जो सम पीपल कुछ लोग यूज इस्तेमाल करते हैं टू इंटॉक्सिकेट मदहोश करने के लिए देयर माइंड्स अपने जहनों को, जिसे कुछ लोग अपने जहनों को मदहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट मेक्स देम फॉरगेट एवरी थिंग। इट मेक्स देम फॉरगेट, ये उन्हें भुला देते हैं। एवरी थिंग हर चीज़, ये उन्हें हर चीज़ के बारे में भुला देती हैं, यानी उन्हें हर चीज़ भूल जाती है। दे लूज, वो खो देते हैं कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स, वो अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं। दे इंजेक्ट स्मोक ड्रिंक और इनहेल सर्टेन मखसूस एडहेसिव्स होता है लेसदार मादा, जो मखसूस लेसदार मादे, जो सर्टेन मखसूस एडहेसिव्स लेसदार मादा, जो मखसूस लेसदार मादे के इंजेक्शन लगाते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट के ज़रिए अपने अंदर ले जाते हैं या फिर किसी मशरूब के ज़रिए या फिर सांस के ज़रिए अपने अंदर वो मखसूस लेसदार मादे को अपने अंदर ले जाते हैं। वैन जब पीपल बिकम हो जाते हैं ड्रग मंशियात के एडिक्टेड आदि, जब लोग मंशियात के आदि हो जाते हैं, दे फेस उन्हें सामना करना पड़ता है एंड कास और बाहिस बनते हैं अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मसाइल का। तो फिर जो नशे के आदि लोग होते हैं तो उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है और वो दूसरों के लिए भी बहुत से मसाइल का बाइस बनते हैं। चूंकि दीज ड्रग्स ये मंशियात आर क्वाइट कॉस्टली, काफ़ी महंगे होते हैं। एडिक्ट्स ड्रेन अवे देयर मनी टू बाय द ड्रग्स। तो जो आदि होते हैं मंशियात के, आदि जो लोग होते हैं वो ड्रग्स को, मंशियात को ख़रीदने के लिए अपनी सारी रकम जो है वो खर्च कर देते हैं या ज़ाया कर देते हैं। वैन जब दे हैव नो मनी, जब उनके पास पैसे नहीं रहते, दे ट्राई, वो कोशिश करते हैं टू गेट इट, इसे हासिल करने की थ्रू इलीगल मीन्स, तो वो इसे नाजायज ज़राए से हासिल करने की कोशिश करते हैं, सच एज जैसे कि स्टीलिंग चोरी करना और रॉबिंग डाका डालना, जैसे कि चोरी करना और डाका डालना, इन ज़राओं से वो फिर अपने ड्रग्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं। दे आर इन अ पिटिएबल कंडीशन, उस वक्त वो पिटिएबल काबिल रहम हालत में होते हैं। जो लोग नशा करते हैं, जब उन्हें नशा नहीं मिलता तो फिर वो, तो उनकी हालत जो है वो काबिल रहम हो जाती है। दे बिकम क्वलसम, वो झगड़ालू हो जाते हैं एंड डिस्टर्ब, और खलल डालते हैं फैमिली सेटअप, तो वो अपने ख़ानदान का जो उनका ढांचा होता है तो उसमें वो खलल डालते हैं, अपने ख़ानदान में खलल डालते हैं। दे कैनॉट कंट्रोल देयर टेम्परामेंट, वो अपने मिजाज पर कंट्रोल नहीं रख सकते। दे रिमेन डर्टी, वो गंदे रहते हैं एंड प्रेफर, और तरजीह देते हैं टू लिव रहना अमंग एडिक्ट्स, और वो जो नशे के एडिक्ट्स होता है, नशे के जो आदि लोग होते हैं वो उनके दरमियान रहना पसंद करते हैं। दे डू नॉट केयर, वो परवाह नहीं करते अबाउट देयर फैमिली, वो अपने ख़ानदान की परवाह नहीं करते। दे नेगलेक्ट होता है नज़रअंदाज करना, दे नेगलेक्ट, वो नज़रअंदाज करते हैं देयर पेरेंट्स, अपने वालदैन को, एज वेल एज साथ ही देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। सम पीपल, कुछ लोग ड्राइव करते हैं, कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं। वेन जब दे आर ड्रंक,
जब उन्होंने शराब पी रखी होती है और इंटॉक्सिकेटेड या फिर वो नशे की हालत में होते हैं। इन सच अ कंडीशन ऐसी हालत में दे कॉज एक्सीडेंट्स, वो हादसे का बाइस बनते हैं। पुटिंग देयर लाइव्स एंड द लाइव्स ऑफ अदर पीपल इन डेंजर, इस तरह से वो अपनी जिंदगियों और दूसरे लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल देते हैं। द एडिक्ट्स मेक आवर वर्ल्ड अनहैप्पी, मनुष्यात के जो आदि लोग हैं मेक आवर वर्ल्ड अनहैप्पी, हमारी दुनिया को नाखुश और गैर महफूज एंड इनसिक्योर। जो मनुष्यात के आदि लोग होते हैं वो हमारी दुनिया को नाखुश और गैर महफूज बना देते हैं। दे मेक द सराउंडिंग्स माहौल को अनक्लीन, गंदा, वो माहौल को गंदा बना देते हैं। दे हर्ट, वो नुकसान पहुंचाते हैं। द वर्ल्ड, दुनिया को, विशेष जिसमें हम रहते हैं, जिसे हम शेयर करते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं जिस दुनिया में हम रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन था ड्रग्स के बारे में, जो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। बहुत शॉर्ट लेसन था, बहुत इजी था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको बच्चों मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।